न्यूज दिल्ली से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए उम्र के तय मानकों का मामला आया है। उम्र के तय मानकों की खबर का सुभाष बराला ने खंडन किया। पार्टी चाहती है कि यंग लीडरशिप आगे आए, यंग लीडरशिप चाहती है पार्टी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं। यह बड़ी खबर आ रही है। कहा है कि जिसे संगठन के कार्यकर्ता चुनकर भेजेंगे उम्र की बाधा नहीं होगी। दिल्ली से बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए उम्र के तय मानकों का मामला। और इस मामले पर अपडेट देखिए। उम्र के तय मानकों की खबर का सुभाष बराला ने खंडन किया। कहा कि पार्टी चाहती है कि यंग लीडरशिप आगे आए, सुभाष बराला का कहना है। बराला ने आगे कहा कि लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है। पार्टी चाहती है कि यंग लीडरशिप आगे आए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के लिए उम्र की कोई तय सीमा नहीं। जिसे संगठन के कार्यकर्ता चुनकर भेजेंगे उम्र की बाधा नहीं आएगी। बड़ी खबर दिल्ली से। बड़ी खबर दिल्ली से पहुंचा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उम्र के तय मानकों पर बोले हैं सुभाष बराला। वो कह रहे हैं कि संगठन के कार्यकर्ता जिसे चुनकर भेजेंगे वही प्रदेश अध्यक्ष होगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए उम्र के तय मानकों का खंडन किया सुभाष बराला ने। हमारे संवाददाता मुकेश मंडल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यंग लीडरशिप पर क्या कहा ऐसा बीजेपी ने कि सुभाष बराला की यह प्रतिक्रिया आई है? मुकेश बिल्कुल मैम, जिस तरह से खबर आ रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष किसी भी स्टेट का होगा उसका उसकी जो आयु है कम से कम 50 साल होना चाहिए, इन बातों को लेकर एक निजी अखबार ने खबर भी छापी थी, जिसको लेकर हमने जब सुभाष बराला से सवाल किया तो उसने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसी कोई बात तो नहीं है, मैं इन तमाम चीजों का खंडन करता हूँ। जो संगठन का काम करेगा, जो संगठन के लिए काम कर रहा है, जो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, वही प्रदेश अध्यक्ष होगा जो इसके लायक होगा। उन्होंने साफ तौर से जो मुहर लगाई है इस खबर से कि कोई भी उम्र पैमाना तय नहीं किया गया है इसके लिए, क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसका काम होता है प्रदेश में कामकाज देखना। और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, बूथ समितियों के चुनाव हो गए हैं, मंडल अध्यक्ष से भी की राय सुनवाई ली जा रही है, फिर मंडल अध्यक्ष और उसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका चुनाव। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले ही साफ कर दिया था कि प्रदेश अध्यक्ष जो नया होगा आपको 17 फरवरी से पहले पता लग जाएगा ऐसे प्रदेश अध्यक्ष कौन होने वाले हैं। ऐसे में जब हमने सुभाष बराला से कहा कि उम्र सीमा भी तय की गई है, क्योंकि ये खबर एक निजी अखबार में छपी है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसी कोई खबर नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि तो सुभाष बराला ने इसका विरोध किया है। इसके बाद अब आलाकमान की तरफ से क्या कहा जाता है, क्या प्रतिक्रिया आती है, ये जानने के लिए लौटूंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया।